बगैर दलाल के बगैर घूस का वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है। कौन नहीं जाए, कौन आदमी हमको बताता है सही बात? ये नेता आता है तो दे देता है कि हम ऐसे करेंगे, अब ये काम कर देंगे। रेडियो के माध्यम से सीखने के बाद उसको अच्छी नहीं मिलता है, कंप्यूटर नहीं हमारे पास, कंप्यूटर था ना कुछ था, इसलिए हम उसको अच्छी नहीं कर पाए। अभी कंप्यूटर देखते तो देखते ना बता देंगे। हम एक ही को बच्चा के मिलेगा, 10 को बच्चा पैदा करेगा तो थोड़ी ना मिलेगा। बिहार में युवाओं की संख्या तकरीबन 57% की है। ऐसे में बिहार सरकार हो या भारत सरकार, युवाओं पर ध्यान देने के लिए, उन्हें स्वरोजगारित करने के लिए, यानी कि उनमें स्किल डेवलपमेंट देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट की कई योजनाएं चलाई जाती हैं। बिहार सरकार के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजनाएँ चलाई जाती हैं और इन सब योजनाओं का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके पंचायत के जनप्रतिनिधि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। वरना अफसरशाही लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि इतनी ज़्यादा हावी है कि किसी भी काम को कराने के लिए आपके जितने भी ब्लॉक में अधिकारी मौजूद होते हैं, बिना घूस का कोई काम ही नहीं होता है, यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर है। ऐसे में जनप्रतिनिधि ही आपकी नैया पार लगा सकता है। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग हैं और इन्हीं से हम जुड़ेंगे और सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। आपके घर से भी प्रत्याशी हैं जी? किस पद के लिए हैं? सरपंच प्रत्याशी। सरपंच पद के लिए है जी, जी। मार झगड़ा निपटाने के लिए, पारिवारिक कलेश मिटाने के जी, लिए भ्रष्टाचार जी। हाँ, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले दिनेश राय थे। आप इनसे पहले क्या आप कभी चुनाव लड़े हैं? जी लड़े थे, सरपंच से। सरपंच से लड़े थे। अच्छा, ये दूसरी बार वो ताल ठोक रहे हैं जी जी। तो इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ आपके पंचायत में? आप तो प्रत्याशी नहीं है लेकिन फिर भी आप घर वाले हैं, इसलिए सवाल है। देखिए, इसमें हुआ था, जो भी हुआ है अभी, ऐसा कोई सुलझाव में जो जहाँ तक हुआ है वहाँ तक सुलझाव सही से हो पा नहीं है। नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है इसे कि जनता से कहीं भी गया सुलझाने तो वो 2000 दे दिया, वो 5000 दे दिया, वो भ्रष्टाचार जी अभी मिटाया नहीं है समाज से। आप मिटा देंगे? बिल्कुल मिटा देंगे। आपको फायदा इसे अगर आप सरपंच हैं, अगर वो सरपंच बना, अगर उन्हें इससे फायदा नहीं दिखा तो फिर आपको कैसे फायदा दिखता है? क्या अगर उससे फायदा, फिर 5 साल अभी जनता के हाथ में। वो घूस ले रहे थे 5 सालों में, जब भी वो घूस ले रहे थे, आप चुनाव लड़ चुके हैं, जनता का कुछ वोट तो जरूर समर्थन में मिला होगा जी, बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे थे? आप उस वक्त उनका कोई ना कंप्लेन किया? कंप्लेन किया, बाकी विरोध किया, हर चीज किया। कहीं कोई कंप्लेन तो नहीं होगा? क्या लिखित तौर पर कहीं कंप्लेन? लिखित तौर पर बहुत सा कंप्लेन है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जाती है बिहार सरकार के अंतर्गत, जानते हैं इसके बारे में? कैसे मिलता है? जो बैंक से जाइएगा तो वहाँ भी लोन आपको क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं बहुत जल्दी, और बैंक में स्टूडेंट नंबर लगाते रहता है, बहुत कैंडिडेट के पकड़ते रहता है, बहुत अति करते रहता है दलाल के, वो बगैर दलाल के बगैर घूस का वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है। वो चलते स्टूडेंट अब छोड़ के अपना वो कुछ दूसरा काम करने लगता है, बहुत सा काम करने लगता है। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट है तो वहाँ जाता है क्रेडिट कार्ड लाने के लिए, तो कोई भी बैंक स्टाफ बहुत चक्कर लगाने लगते हैं कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, ये है वो है, ये चीज़ लाइए, वो चीज़ लाइए, पूरा प्रोटोकॉल और प्रोसीजर में मामला फंस के रह जाता है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर क्या पंचायत में या ब्लॉक स्तर पर ट्रेंड किया गया है? आगे आओ ना भाई, काहे पीछे भाग रहे हो, माइक से डरते हो? नहीं, बताओ क्या स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आपके दोस्त मित्र किसी को ट्रेनिंग दी गई है ब्लॉक स्तर पर? नहीं, हमें जानकारी में तो नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं। आपको लगता है किसी को दिया गया है ट्रेनिंग? नहीं, हमको नहीं पता है। आपको भी नहीं पता? आपको ये पता है कि स्किल्ड करने के लिए आपके ब्लॉक में इस तरीके का क्या? हमको ये नहीं पता है। प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षित करने के लिए हुआ, सिखावे खातिर भोजपुरी में समझा ना हुआ होगा? लो, तेरा मालूम नहीं है? नहीं मालूम है, दिन भर भैंसी चराते हैं, खेती में रहते हैं, कहाँ जाए? अरे अगल बगल वाला जाए तो कहीं ना कि हम कंप्यूटर चला जाए, मालूम करने जाए, कौन आदमी हमको बताता है सही बात? ये नेता आता है तो दे देता है कि हम ऐसे करेंगे, हम ये काम कर देंगे, हम मनरेगा बनाएंगे, और वो नेता आता तो वो भी करते हैं। तारा शौक नहीं है कि कंप्यूटर चलावे आ जाओ? इतना जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ, समझ गए, शिक्षित नहीं है इसलिए इन्हें हुआ है जो पूछ रहे हैं। नहीं, अब 5 सालों में आप सुने ही नहीं है? नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? BSc केमिस्ट्री ऑनर्स। भाई आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको भी पता होगा, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता होगा, ITI में ले जाकर के प्रशिक्षित किया जाता होगा बच्चों को, वेल्डिंग करने के लिए प्रशिक्षित, ताकि आप स्वरोजगारित हो जाइए, इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चला है वहाँ पे? ब्लॉक में होता है जो चला जाता है, कंप्यूटर का योजना चलाता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ब्लॉक में होता है तो आपके गाँव में किसी का नहीं हुआ है? नहीं, कुछ लोग किए हुए हैं लेकिन जो जैसे मतलब रोजगार नहीं मिला जी।
बस उसको कर लिया बात, उस योजना का भरपूर लाभ नहीं मिला, बस उसका हुआ उपयोग हुआ, बस डिग्री मिल गया, बात खत्म। ये तो पढ़ने और पढ़ाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना सीख पाए और कितना सिखा पाए। उसके ऊपर आएगा कुछ तब ना, जैसे हमको पढ़ा दिया गया, इस पे कुछ फंड आया ही नहीं कि जब ये पढ़ करो आगे कुछ फंड नहीं आता है। आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा कि आप प्रिंटिंग प्रेस, अगर ग्राफिक्स सीख लिए तो प्रिंटिंग प्रेस चला लीजिए, अगर आप सोशल साइट्स की जानकारी हो गई तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का चीज़ें चला लीजिए, टाइपिंग चला लीजिए प्राइवेट से। हाँ, प्राइवेट से आपको खुद से स्वरोजगारित करने के लिए आपको स्किल दे, यानी आपको प्रशिक्षित किया जाएगा कैसे कंप्यूटर पर काम करते हैं। ये हुआ है जी, चलिए यही हम पता लगाने की कोशिश, हुआ है हो? हम तो नहीं जानते कहाँ हैं, यही रहते हैं ना? हाँ यही रहते हैं, भाई चढ़ाते हैं, रहते हैं भाई चढ़ाते हैं, वो जानते हैं दूध दूध कैसे बेचा। ये सब यादों पर नहीं है, मजाक में था। पढ़े हैं? पढ़े लिखे हैं। तो प्रशिक्षण में गए थे हम, किए हुए हैं। क्या क्या सिखाया गया? कंप्यूटर के तीन चीज, तीन अति माध्यम। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं। हाँ आगे, लेकिन देखिए हम उस चीज को किए, लेकिन तीन चार साल, तीन दो साल पहले किए, लेकिन उसका कोई चीज़ नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग। तो क्या क्या सीखे आप? माने कंप्यूटर का टाइपिंग करना माने के सीखे, और क्या कहता है उसका, माने में सीखिएगा तो कैसे काम मिलेगा आपको? देखिए काम के लिए माने में सीखिए, सीखिए बताते हैं हम आपको। जो काम को कंप्यूटर सिखाया गया वो ऑनलाइन सिखाया गया था, ऑनलाइन सिखाया गया, ऑनलाइन सिखाया गया था। अथी के माध्यम से माने रेडियो अथी के माध्यम से सीखने के बाद उसको कोई चीज़ अथी नहीं मिलता है, कंप्यूटर नहीं, हमारे पास कंप्यूटर था ना कुछ था, इसलिए हम उसको अथी नहीं कर पाए। आपको ब्लॉक में बुला दिया गया, टीवी चला दिया गया, उस पर वो बोल रहा है, आपको सुनना है, सुनना है सिर्फ ना। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, नहीं कुछ करना पर कुछ कर नहीं, आपको कंप्यूटर मिला बताया जा सकता है? नहीं कंप्यूटर मिला, नहीं कंप्यूटर मिला तो क्या उसे हम कर सकते? भाग्यशाली है भाई, जो सीखने गए वो मिला ही नहीं, नहीं मिला। मैं छोटी हो जाए मेहरारुए ना मिले, फिर सर्टिफिकेट सिर्फ मिला, सर्टिफिकेट हम लोग उपयोग किए, सर्टिफिकेट बक्सा में बोले ना कि शादी हो गया मेहरारुए ना मिले, सर्टिफिकेट बक्सा, सर्टिफिकेट मिला बक्सा में रखे हुए हैं उसका, उस सर्टिफिकेट का आप अचार डालिएगा, क्या कीजिएगा भाई, रखे हुए है बक्सा में, वही तो मिला है भाई जी को कंप्यूटर सिखाया गया, यही तो बिहार है, ये जो स्किल डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत, और भाई जी को कंप्यूटर नहीं दिखाया गया कि कंप्यूटर होता कैसे है, कंप्यूटर का सारा पावर केबल लगा के आप ऑन कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र चलाया गया है क्या? भैया से बात कीजिए, लो भैया से बात कीजिए, वो भैया बताते हैं, उससे बात कीजिए ना, हर बात उन्हें बताते हैं, आप बात कीजिए ना उनसे, बताएंगे वो विस्तार रूप से बताएंगे, उनसे बात कीजिए, यहाँ के मुख्य सोटी कोर्ट में बताइए, यहाँ से मुख्य लोग है, यहाँ कहाँ मतलब उनसे बात कीजिए, सब गाँव कहाँ है उनसे बात, यही हम समझना चाह रहे थे, गाँव के लिए हम आए ही नहीं है, पंचायत के लिए आए हैं, पंचायत के हैं, वही बात हुआ, हम यहाँ युवा हैं, नहीं यहाँ के मैं है, युवा हैं, युवा है लेकिन यहाँ के युवा है ना, जागरूक है ना, अरे उनसे बात जागरूक है ना, अरे ये युवा हैं, ये जागरूक है। अगर आपको प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, असुविधाएं हैं, और आप कहिएगा कि दूसरा आपको विस्तार से समझाएगा, तो हमको कौन सा रामदेव बाबा का पतंजलि में भर्ती होना है, कि हमको पूरा विस्तार से जानना है, हमको ये जानना है कि यहाँ के युवाओं का जो भविष्य कैसा है, हमें ये जानना है कि जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो धरातल तक पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है, अगर पहुंच पाती हैं तो उनमें क्या क्या असुविधाएं, क्या क्या खामियां रह जाती हैं। और भी बहुत सारे लोग हमको बुला रहे थे, कहें भाई आप रास्ता ना आप लिए का दादी, तबीयत ठीक रहता है? ठीक ना रहिए तो क्या, निरोग रहिए, बढ़िया रहिए, ठीक रहते तो फ्री में इलाज करा देवे, सरकारी में तो फ्री में होता है, हाँ, हमरा सके न सरकारी ब्लॉक पर स्वास्थ्य केंद्र है ना, वो तो पैसा वाला के होई छे सरकारी के, मतलब गरीब के ना हो, अच्छा, गरीब को हमें इलाज ना हो खेला ना। हाँ, अमीर जाए तो इलाज हो जाए, जान पहचान वाला के इलाज हो, पैरवी वाला के इलाज ही कहल चाहते, दादी तो बड़ा दुखी वाला बात, दुखी वाला। आंगनबाड़ी केंद्र में खाऊ पिए के आवेला मिलेला, पतोहियन के मिलाई थी 2 किलो चाउर, राशन हो गए आंगनबाड़ी वाला, आंगनबाड़ी बच्चन वाला, अच्छा, दाल और सोयाबीन तनका, अमरी 1 किलो चाउर मिल रही है, 250 दाल, और 2 गो बच्चा के, एगो के मिलाई थे, 2 गो बच्चा कितना मिले ना, कहे छी मैडम जे की गो बच्चा के मिलेगा, 10 गो बच्चा पैदा करेगा तो थोड़ी ना मिलेगा, ना 2 गो तक के प्रावधान बनू, हाँ ना 2 गो के ना मिलाई छे, हमरा तो 2 गो पोता पोतिया मिलैये 1 गो पोता के, क्या क्या मिलता है? दाल चाउर सोयाबीन, ओकरा बाकी बाद कुछ ना, बिस्कुट नमकीन या फिर चॉकलेट ना, अंडा ना कुछ ना, सिर्फ दाल चाउर सोयाबीन। टीका मिलता है टाइम पे? हाँ टीका मिले तो मिलते होगा, टीका हर बेर मिले, पतोहिया ऐसे ही रह जाती है सब, नहीं मिलता है खाने पीने को। अरे ये हंसने वाली बात नहीं है, ये आपका अधिकार है, ये हंसने वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा
हाँ ये ननका अभी कितने साल का है? मेरी नातनी है। कोई बात नहीं, कितने साल की है? ढाई साल की। जब ये होने वाली थी नातनी तो आंगनबाड़ी से मिलता था जब ढाई साल की है तो? ना हम यहाँ का ये सुविधा नहीं है, नातनी है तो क्या दीदी सर। अच्छा मतलब इनकी बेटी की ये बेटी है ये? अच्छा वहाँ का ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, पता नहीं कौन सा पंचायत कौन सा जिला। ये हालात हैं पंचायत की, हकीकत हम दिखाने के लिए निकले थे। जितने भी किसी भी पंचायत के युवा हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पहले समझ लें कि उनके लिए सरकारी योजनाएं क्या चलाई जा रही हैं। महिलाएं हैं तो आप जान लीजिए कि आंगनबाड़ी में क्या कुछ होता है। हर पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों का बहुत ही खास्ता हालत है। एगो पतो है कि मिले ला एगो के मिलबे ना करे ना, बल दू गोटनी के ना मिलते एक के गोटनी के मिलते, जकरा दू गो पुतो है ओकरा एगो के बच्चा भेलै त मिलै छै ओके ना। ना ना अलग अलग अभिलक्ष से का मतलब है आंगनबाड़ी केंद्र में आपके क्षेत्र में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है आपके गांव में अगर कोई भी महिला अगर बच्चे को जन्म देने वाली है तब से लेकर जन्म देने तक सरकार पूरा व्यवस्था देती है। वैसे मिलाई छाई दू महीना के बच्चा हो जाए ना पेट में तहिया से देवे लगलै है। लेकिन दू गो के ना दै छै, दू गो पुतो है तो एगो के देलक एगो के ना, बोलिए की गो के मिलेगा। परेशानी एक एगो का है, एगो के एक ही खा के मोटाएगी दूसरा कार ना जानत हथिन जे एगो के परेशानी के एक गो में से चारो खा लेते। उ अइतथिन तब ना पूछतियै एगो में से चारो गोटा खा लेबे कि चार गो छिपा में मंगलू ना कभी मंगलू ना हम सब मांगे के चाहिए लेबे ना करते तो मांगे कैसे जीव कह कि कानून ने ना है तो मांगे कैसे जीव कहे के चाहिए कि एगो पतोहिया खाई तो कहीं के पेट में जाई दूसरा के पेटवा में कैसे हम आई कहे से कहै छै बलू घर में देवे के बानी एके ओके रूल है बलू देवे के बानी दूगो के रूल ना है देवे के अगर तारा दूगो पतोही बिया तो एगो के माने भगा दियै रूल है घर में एगो के देवे के दूगो के रूल ना है देवे ई कौन कौन नियम बना दिया है सरकार ने नियम बनाया है कि सरकार ने नियम बनाया है सुनिए मेरी बात सुनिए ना सरकार ने नियम बनाया है कि हम दो हमारे दो तो दो के दो गो पतो हियो तो आई पांडो वाला स्थिति थोड़ी हुई ना बल एक घर में एक के मिलत दो के ना वही में बाटे के परी एक के आदमी के मिलते है एक आदमी के हां दो आदमी के ना मिलते है माने एक के पतो हिया बच्चा पैदा करी दूसर की ना करी एकर मतलब सरकार के ये न भइल गलत बोले हैं हां का दादी उ सरकार के ना सोचे के चीज जब बच्चा जब लड़का दू गो है तो पुतो दू गो होतै तो पोता पोती तो दू गो होतै एगो के मिलतै तो दुनु कैसे खा लेतै इतना दूध होवै छै मीठा होवै छै दोसर कुछ ना हम सब पहले मिल पहले मिलता था ना कोई कहियो ना हम सब जानबे ना करै छी जे दूध आ मीठा चॉकलेट आ अंडा कैसन होइ छै ना यार हमरा सके मिलै छै जाने के तो जानबे करेलू माने ओ जाले ना मिलला सरकारी वाला कैसन होला के खाइले सरकारी ना सरकारी वाला कैसन होला ई नहीं खे पता ना ना यार हमरा सके मिलै या सोनो ना यार अनहारी गाछ आंगनबाड़ी में मिलै छै कि वहां सके ना मिलै हम सब जानैले जे मिलै छै आंगनबाड़ी में कि वहां सके ना मिलै अच्छा माने जानेलू कि मिलेला लेकिन तारा ना भेटाला ना हमरा ना मिलै हमरा सके ना मिलै दादी तारा भेटाला तारा मिलेला नो जद आंगनबाड़ी के फेर में का बार तू वृद्धा पेंशन के फेर में रह मिलेला नो ल वृद्धा पेंशन ना मिलेला ए भाई बड़ा गड़बड़ बा अभी उम्र में ना मिलेला हो देबे ना करय हम का है लिखवा के ठाक गेली जमा क के कागज ठाक गेली ना मिलल कागज जमा करते रह गेलू हां कौन कागज मांगत रेलो वो अथी कत फोटो हां फोटो कॉपी हां आधार कार्ड हां आ सब क के दे अबले बा कहा न कहा रख दिए दिए बताओ नहीं तो बड़ा दुख वाला बात बा ता? ना आंगनबाड़ी में मिला मैया के ना राशन मिले ला आगा ना लो राशन बेटवा सके भेटे हमारे देश के हौ नू हमने के देश के हैं जानू यही गांव के हौ बताओ दादी राशनो ना मिले राशन तो दे छी त पुतो बदमाश रख दे छी सब ना दे छी सब ना देबेला यही हाल है एगो पतोहिया को मिलता है दुगो को नहीं मिलता है दादी को ना राशन मिलता है ना वृद्धा पेंशन मिलता है अब बताइए दादी कैसे जिएंगी पता नहीं कब टिकट कट जाए इनका हालात पंचायत का यही है स्थिति कब सुधरेगी तब सुधरेगी जब जागरूक लोग और थोड़ा जागरूक हो जाएंगे अपनी हक के लिए खुद मांग उठाने लगेंगे जो पैसा देता है उसका काम करता है जो पैसा लेके काम करवाता है उसका काम कर देता है जो पैसा नहीं देता है उसको काम नहीं करता है पेपर यहाँ से पेपर लिया उधर रख दिया उधर से लेकर उधर फेंक दिया कचरा में जो आदमी पैसा दिया कर्जा उर्जा कार के खेत बेच तो उसका पेपर खुद से बना के दे देता कहीं से नहीं वो योजना आला के दे देता है हाँ। जैसे भी हो अपना हो पैसा दिया था उसका काम कर दिया किसी का इंदिरावास मिल रहा है इंदिरावास मिल रहा है हमको मिलने वाला था वो मुखिया पैसा पाँच साल पहले था वो मुखिया पैसा ले लिया पैसा ले के वो रिटर्न दे दिया मुखिया का नाम क्या है उमेश पंडित है उमेश पंडित ना अरे पाँच साल पहले बैंक वाला ने बात कर रहे हैं पैसा ले के रिटर्न दे दिया हम लोग के लिस्ट में नाम था इनका भी नाम था मिलने वाला था
मिल गया, हम लोग को नहीं मिला। बोलता है कि फलना तो और गुतिया कटवा दलो चिल्ला कर दिया। अच्छा, मतलब इनकी बेटी की ये बेटी है ये। अच्छा, वहाँ का ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, पता नहीं कौन सा पंचायत कौन सा जिला। ये हालात हैं पंचायत की, हकीकत हम दिखाने के लिए निकले थे। जितने भी किसी भी पंचायत के युवा हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पहले समझ लें कि उनके लिए सरकारी योजनाएं क्या चलाई जा रही हैं। महिलाएं हैं तो आप जान लीजिए कि आंगनबाड़ी में क्या कुछ होता है। आंगनबाड़ी को लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें हर किसी को पता होता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से बहुत कम जगहों पर चलाए जाते हैं। इसकी पड़ताल लगातार हमारी जारी रहेगी। हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या हालात हैं, कैसे काम करता है और कितना भ्रष्टाचार है या फिर कितना सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।